कविताएं जहां जी चाहे वहां रहती हैं, कभी नीले आसमान में, कभी बंद खिड़कियों वाली सकरी गली में, कभी पंछियों के रंगीन परों पर उड़ती हैं कविताएं, तो कभी सड़क के पत्थरों के बीच यूं ही उगाती हैं। कविता के अलग अलग रूपों को समर्पित है हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला प्रतिदिन एक कविता। कीजिए एक नई कविता के साथ अपने हर दिन की शुरुआत। आज सुनते हैं विष्णु खरे की लिखी लौटना, मेरी यानी आरती की आवाज में। उसे जहां छोड़ा था, कभी कभी वहां जाकर खड़ा हो जाता हूं। कूड़े के जिस अंबार को देख वो लपक कर दौड़ गया था, अब वहां नहीं है। दरअसल अब कुछ भी वहां उस दिन जैसा नहीं है। मैंने उसे आधे दिल से पुकारा भी था कि अगर लौट आए तो उसे वापस ले जाऊं, लेकिन वो सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे हंसता हुआ कूड़ा खोदने में जुटा रहा। उसके बाद मैं चला आया, लेकिन कई बार लौटा हूं। वो जगह अब एकदम बदल चुकी है, नई इमारतों दुकानों की वजह से पहचानी नहीं जाती। वो कूड़ा भी नहीं रहा वहां। वो सड़क अंदर जहां जाती थी उस पर भी कुछ दूर तक गया हूं। वो या उससे मिलता जुलता कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी एक आध आदमी पूछ लेता है, किसे देखते हैं भाई साहब? नहीं, यूं ही या कोई और झूठ बोलकर चला आता हूं। कई कारणों से वहां जाना कम होता गया है और अब तो बहुत ज्यादा बरस भी हो गए हैं। फिर भी कभी लौटता हूं सारी उम्मीदों के खिलाफ, और जहां वो कूड़े का ढेर था उससे कुछ दूर, वो उतनी ही देर याद करता खड़ा रहता हूं कि कोई मददगार फिर पूछे नहीं। एक दिन ऐसे जाऊंगा कि मुझे कोई देख नहीं पाएगा, और बिना पुकारे पता नहीं कहां से वो झपटता हुआ तीर की तरह आएगा, पहचानता हुआ मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।